क्या रीज़न है कि मैथ्स हमें बेकार, डिफ़िकल्ट और मीनिंगलेस लगती है? वेल, इंडिविजुअल टेम्परामेंट का डिफरेंस तो है ही, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे लैग करता है ये द मामोस्ते के इस एपिसोड में बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि क्या एलियंस भी मैथ्स पढ़ते हैं और उनकी मैथ्स हमारे मैथ से कैसे अलग होगी, ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप करे। देखो, हम जो मैथ्स पढ़ते हैं उसके पीछे एक फिलॉसफी है। मैथ्स का यूज़ हम करते हैं अपने यूनिवर्स को समझने के लिए। ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती है। मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, ये अजम्पशंस ही है। इन अजम्पशंस को हम एक्सियम्स कहते हैं। इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, और यही अजम्पशंस बेसिस है हमारे एंटायर मैथमेटिकल इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क का। एक्सियम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि जीरो एक नेचुरल नंबर है, या सन ईस्ट में राइज होता है, या दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइन को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या गॉड एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें हम प्रूव नहीं कर सकते, पर इनको हमें मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा बाकी वर्ल्ड का सेंस बनाने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं डिफरेंट अजम्पशंस के साथ। इन्हीं अजम्पशंस के थ्रू फिर कंक्लूजन्स को प्रूव किया जा सकता है, और ये तभी वैलिड होंगे जब हम सेम अजम्पशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। अब दो अप्रोचेस है फिलॉसफी में, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रैशनलिस्ट मानते हैं कि हमारा जो नॉलेज है दुनिया का, वो हम रीजन का यूज करके ऑब्टेन करते हैं, और ये एक्सियम्स जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट हो सकते हैं, ये बेसिस होते हैं हमारे रीजन का। वही एम्पिरिसिस्ट्स मानते हैं कि वर्ल्ड का नॉलेज भाई रीजन से नहीं, सेंसेस के थ्रू मिलता है। रैशनलिस्ट्स फिर कहते हैं कि हम अपने सेंसेस को हमेशा यकीन थोड़ी कर सकते हैं, सेंसेस को तो बहुत इजीली ट्रिक किया जा सकता है, मजिशियंस यही करते हैं, इन्हीं की वजह से लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। अब जैसे कि बुखार होने पे क्या होता है, हमें टेस्टी से टेस्टी खाना भी अच्छा नहीं लगता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ रियल है या नहीं रीज़न के थ्रू? तो हम हर चीज़ पे डाउट कर सकते हैं। रेने डेकार्ट, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर था, रैशनलिस्ट था, इसके मेथड ऑफ रेडिकल डाउट पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रेकमेंड करूँगा कि जाके देखो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स भी इसी आइडिया पे काम करता है, वरना तुम देख सकते हो कि भाई दो ट्रायंगल्स हैं। अब इसको देख के एम्पिरिसिस्ट्स बोल सकते हैं कि भाई दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, इसमें प्रूव क्या करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें तब भी प्रूव करना होता है अलग अलग थ्योरम्स लगा के, SAS, AAA, ASA, इनको लगा के कि भाई ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो ये रैशनलिज्म को कंफर्म करता है। हाँ, तो रियल लाइफ में नॉलेज सेंस से भी आता है और रीजन से भी। इमैनुअल कांत इन दोनों को कंबाइन करता है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में, नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ और चाहूंगा कि जाके देखो। अब देखो यार, ऐसा है कि सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो तुम जितना रिलेटेड कंटेंट देखोगे उतना ही तुम्हें समझ आता जाएगा। इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, रेकमेंड करूंगा। तो अब आते हैं हमारे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मैथ्स पे। मुझे लगता है, मेरे हम्बल ओपिनियन में, कि स्कूल में मैथमेटिक्स तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम मैथ्स के नाम पे जो चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं पता ही नहीं होता है, ना हमारे टीचर्स बताते हैं। मैथ्स और साइंस में भाई फिलॉसफी ही मिसिंग है, जो कि बेस है किसी भी सब्जेक्ट का, और वो आई थिंक प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगलेस लगने लगता है, क्योंकि हमारा करिकुलम हमें कन्विंस ही नहीं कर पाता है कि इनका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। मेरे साथ तो यही हुआ था स्कूल में। तुम अपना बताओ, तुम क्या सोचते हो, सडनली मैं जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ। अब आते हैं वीडियो के एलियन वाले एस्पेक्ट पे। अगर दूसरे प्लैनेट में भी लाइफ है, जो कि मैं मानता हूँ है, बाकी प्लैनेट्स में भी लाइफ है, तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, एलियंस, क्या ये लोग भी मैथ्स पढ़ते होंगे क्या? अगर हाँ, तो क्या इनकी मैथ्स हमसे अलग होगी क्या? अगर होगी तो कैसे होगी? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी एलियन सिविलाइजेशन ने एक डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस को होल्ड कर रहे होंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे से एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का मैथमेटिक्स बना लिया होगा। ऐसा मानना इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि हमारे जो अजम्पशंस हैं वो हर बार सही नहीं होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं। तो जैसे जैसे यूनिवर्स को हम समझते जाएंगे, हमें
हमें नई चीज़ें अज्यूम करनी ही पड़ेंगी। हमें मानना ही पड़ेगा कि इन्फेरेंस यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। हमारे बहुत सारे अजम्पशंस फंडामेंटली ही गलत हो सकते हैं। अब अगर नॉर्मल फिजिक्स से ही सारी चीज़ें समझ में आने लगती तो क्वांटम फिजिक्स नहीं बनानी पड़ती। अगर क्वांटम फिजिक्स भी इतनी ही परफेक्ट होती तो स्ट्रिंग थ्योरी नहीं बनती। वर्ल्ड को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक बॉक्स है, उसमें एक बिल्ली है और उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाल देते हैं और उस बॉक्स को फिर बंद कर देते हैं, तो बिल्ली का क्या होगा? मर जाएगी, है ना? पर ये तो हो गया नॉर्मल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो कैट डेड होगी और अलाइव भी होगी एक ही टाइम पे, जब तक हम उस बॉक्स को ओपन नहीं कर देते हैं। यही हाइपोथेटिकल बिल्ली श्रोडिंगर्स कैट है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट करने वाला फिजिसिस्ट का नाम था एर्विन श्रोडिंगर, तो इसीलिए श्रोडिंगर्स कैट। तो देख रहे हो हम चीजों को कैसे नए तरीके से देख रहे हैं। ऑल्दो ये भी एक अजम्पशन ही है, बट हेल्पफुल है यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने के लिए। अब पॉसिबल है कि एलियंस बहुत सारी ऐसी चीजें जानते हैं जो हम शायद नहीं जानते हैं। वो मैथ्स का कोई और ही सिलेबस फॉलो कर रहे होंगे। अलग टाइप के अजम्पशंस और अलग ही टाइप का मैथमेटिक्स, पर किस टाइप की ये अभी हमें नहीं पता है और हमें शायद नहीं पता लगेगा अगर वो खुद हमें ना बताए आके या हम ही उनसे पूछे जाके। पर इतना श्योर है कि वो हमें सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स लगेगी जो कि हमें शायद एकदम अननोन लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा एविडेंट हो कि हमें शायद दिखाई ही ना दे, जैसे फिश को पानी दिखाई नहीं देता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल द मामूस्ते को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस।